Hello students, today I am going to discuss about the movement of the earth. In the previous classes we already learned about the rotation and revolution. पिछले क्लास में हमने मूवमेंट ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ा था कि पृथ्वी पर क्या दो तरह के गति होते हैं जिसको बोलते हैं रोटेशन और रेवोल्यूशन. तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि रोटेशन के कारण क्या क्या होता है. व्हाट कॉजेस डे एंड नाइट. डे एंड नाइट आर कॉज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ. क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में एक बार अपने एक्सिस पे घूमती है और इसी के कारण दिन और रात होता है. पृथ्वी के जिस हिस्से पर रोशनी जैसे जैसे आती है उधर सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम और रात हो जाती है. जिस हिस्से में रोशनी नहीं जाती उधर रात रहती है. और जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है उस तरह से आपको मैंने इंटरनेशनल डेडलाइन के बारे में भी बताया था. तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट कॉजेज द चेंजेस ऑफ सीजन्स. किन कारणों से मौसम में बदलाव होते हैं. तो मैंने पहले भी आपको बताया है, थोड़ा ही सा बताया था कि किन कारणों से मौसम में बदलाव होता है. रेवोल्यूशन, ड्यू टू रेवोल्यूशन चेंजेस ऑफ सीजन. रेवोल्यूशन के कारण क्या होते हैं, मौसम में बदलाव होते हैं. आपने पिछले क्लास में स्टैंडर्ड 4 में भी पढ़ा होगा ईवीएस में कि किन कारणों से मौसम में बदलाव होता है. तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि सूरज जो सन जो होता है वह पूरे प्लैनेट का क्या होता है, सेंटर होता है. और सूरज के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, तो जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वह सूरज के चारों तरफ एक फिक्स रास्ते में घूमते रहते हैं. और हर एक का साल, हर एक जो है अपने पूरे एक रेवोल्यूशन में उनका अलग अलग ईयर होता है. जैसे पृथ्वी 365 दिनों में पूरा एक चक्कर काटती है, उसी तरह से मार्स उससे भी कम में, फिर वीनस उससे भी कम में, और जुपिटर को तो बहुत साल लग जाते हैं क्योंकि जुपिटर बड़ा है और सूरज से दूर है. नेपच्यून को तो कई साल लग जाते हैं एक परिक्रमा करने में. पृथ्वी के एक ईयर, उसके कई सारे ईयर लग जाते हैं. पृथ्वी के पूरे एक रेवोल्यूशन से दुगुना तिगुना लग जाता है. आगे क्लास में, आगे चैप्टर में मैं बताऊंगी, या 6th क्लास में आपको पूरे डिटेल में पढ़ना होगा. यहाँ पे सिर्फ मैं आपको चेंजेस ऑफ सीजन के बारे में बता देती हूँ कि कैसे मौसम में बदलाव आते हैं. आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि पृथ्वी दो हिस्सों में बंटी हुई है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, जिसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर. तो ये सब तो आपको जानते ही है. तो यहाँ पे देख रहे सन है और यह एलिप्टिकल पाथ है. ये भी आपको पता है कि पृथ्वी जो है एक फिक्स रास्ते में, एक फिक्स कक्षा में घूमते रहती है, जिसको ऑर्बिट बोलते हैं हिंदी में, उसको कक्षा बोलते हैं. तो ये आपका स्टैंडर्ड वाला कक्षा नहीं है, ये इसका रास्ता है, ऑर्बिट है, जिसको हिंदी में कक्षा बोलते हैं. और ये एक्सिस है, अपने फिक्स एक्सिस पे घूमती है और फिक्स रास्ते में, फिक्स पाथ में घूमती है, जिसको बोलते हैं ऑर्बिट. और आप ये हमेशा याद रखें कि पृथ्वी जो है वह सूरज के चारों तरफ वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है. तो आपको पता है कि जब भी हम वेस्ट में जाएंगे तो पेपर पे जब भी आपका फिगर बना होगा तो किस साइड में जाएंगे, लेफ्ट साइड में. तो पृथ्वी एक जगह से घूमना किधर से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ. देखिए ईस्ट इधर है तो पृथ्वी वेस्ट से घूमना शुरू करती है, फिर ईस्ट की तरफ जाती है, फिर वेस्ट की तरफ आती है. तो यह फिक्स एक एक्सिस पे खड़ी होती है. एक दूरी आपने पढ़ा है इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ जो 66.5 एंड 23.5 डिग्री बोथ साइड पे ये झुकी होती है, जिसको बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ. ऑर्बिटल प्लेन पे ये हमेशा उसी अक्ष पे उसी तरह से जिधर से भी ये घूमेगी उसका जो झुकाव होगा 66.5 एंड 23.5 डिग्री रहेगा, जिसको ऑर्बिटल प्लेन इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ बोलते हैं. इसलिए और मतलब हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर सूरज की स्लैंटिंग रेज ही रहती है, कभी भी इस पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं जाता है. आपने देखा यहाँ पे ये एक तरफ क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, दूसरी तरफ साउदर्न है. फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला पोर्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, ये साउदर्न हो जाएगा. फिर यहाँ पे इस तरह से भी एक्सिस बना हुआ है,
तो फिर यहाँ पे ये झुकी हुई है, तो ये जो है बीच का हिस्सा हो जाएगा, इधर आ जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इधर साउदर्न, फिर यहाँ पे इधर इस साइड क्या आ जाएगा साउदर्न और इधर नॉर्दर्न। तो नॉर्दर्न हिस्सा जो जो डार्कर फेस है वह साउदर्न है, और जो लाइटर जिधर लाइट ज्यादा जा रहा है, तो जब इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा विंटर, एंड देन जब यहाँ पे आएगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा ऑटम, और इधर हो जाएगा स्प्रिंग। फिर जब यहाँ आएगा तो फिर इधर जब पृथ्वी इस साइड में थी तो यहाँ पे क्या था समर था नॉर्दर्न में, अब इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा विंटर, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्योंकि पृथ्वी घूम रही है तो फिर 6 महीने के बाद जब पृथ्वी इस जगह पे आती है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है समर, और उसके अपोजिट साइड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर, और फिर इस तरह से जब पृथ्वी फिर घूमते घूमते इस यहाँ आती है एक अपने फिक्स रास्ते में घूमते रहती है, और जैसे जैसे वो घूमते हुए जाती है जैसे सूरज के पास सूरज से दूर उसकी रोशनी की किरणें पड़ती हैं, सूरज की किरणें पड़ती हैं उस हिसाब से मौसम में बदलाव आता है। ऑर्बिटल प्लेन पे जब झुकी हुई पृथ्वी नॉर्दर्न से साउदर्न की तरफ जाती है तो नॉर्दर्न में जब स्प्रिंग आ जाता है तो साउदर्न में ऑटम, यहाँ पे क्या है साउदर्न में ऑटम है और नॉर्दर्न में स्प्रिंग है, और इसका अपोजिट अब इधर क्या हो जाएगा नॉर्दर्न में स्प्रिंग और साउदर्न में ऑटम। इस तरह से हर एक वर्ष इस तरह से मौसम बदलते रहता है, और जिस देशों में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के देश होते हैं तो उधर क्या होता है विंटर अगर होता है तो साउदर्न में समर, इज दैट क्लियर। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि जब ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस मनाया जाता है वह साउदर्न हेमिस्फीयर का दक्षिणी गोलार्ध का एक देश है, अर्जेंटीना में जब क्रिसमस मनाया जाता है तो वहां पे बहुत गर्मी होती है, और नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट ब्रिटेन में चाइना में क्या होता है बहुत ठंड होती है क्योंकि यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के देश हैं। साउदर्न हेमिस्फीयर के देश आप अपने मैप के हिस्से में देखेंगे कि विश्व के सभी बच्चों को मैप बुक भी मिला होगा, अगर जिन बच्चों ने बुक लिया होगा तो आप एटलस में देखेंगे कि कौन सा देश कहाँ है, इससे आपको पता चलेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के किन देशों में जब ठंड होती है, जैसे भारत में जब ठंडी का मौसम होता है तो अफ्रीका के कुछ पार्ट में, क्योंकि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके कुछ हिस्से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं और कुछ हिस्से साउदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। तो आज आपको मैं इतना ही बताऊंगी, आगे के वीडियो में आगे की क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि चेंजेस ऑफ सीजन के साथ साथ पृथ्वी के घूर्णन के कारण रोटेशन एंड रेवोल्यूशन के कारण पृथ्वी में और क्या क्या बदलाव आते हैं और क्या क्या समय आता है जिसको बोलते हैं इक्विनॉक्सेस एंड सोलिस्टिस लूनार इक्लिप्स, बहुत सारी चीज सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण ये सब किन कारणों से आता है ये आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। आज आप इसको अच्छे से समझे और घर पर बनाने का प्रैक्टिस करें, बुक है उसमें भी दिया होगा, जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। ओके थैंक यू।